अवैध खनन के खिलाफ डीजाना न्यूज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। देवास जिले में तो प्रशासन की रोक के बाद भी अवैध खनन करने में लगे रेत माफियाओं की काली करतूत दिखाई गई थी, लेकिन अब भी जिम्मेदार कुंभकर्णिया नींद में सो रहे हैं। खातेगांव हो या नीमावर, सतवास हो या कन्नौद, पूरे देवास जिले में अवैध रेत माफिया की पोकलेन मशीनों के पंजे मां नर्मदा को छलनी कर रहे हैं। यह अवैध खनन परम एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। चंद मुनाफे के लिए यह रेत माफिया प्रशासन की रोक के बावजूद लगातार अवैध खनन करने में जुटे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को परम एजेंसी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन के इस काले कारोबार की भनक नहीं है, लेकिन अधिकारी भी जानकर अनजान बने बैठे हैं और वहीं जांच और कार्रवाई का राग अलाप रहे हैं। इसमें माइनिंग और प्रशासन द्वारा बराबर कार्रवाई की जा रही है। आज भी कार्रवाई के लिए टीमें गई हुई है। मैं भी गया था अभी खदान पर 2-3 दिन पहले, तो उस समय मुझे वहां बंद मिला था, उसके बाद भी खबर मिली थी, तो भेजा गया है और बराबर कार्रवाई चलती रहती है। पूरा प्रयास है कि अवैध उत्खनन पूरी तरह से बंद हो जाए। और जो रॉयल्टी कट रही है वो निमावर से कट रही है, और लेकिन रेत भरा रही है खिड़किया खदान में, ऐसे सुनने में आया है। इस बारे में क्या ये जानकारी मुझे नहीं है, अभी आपने ही बताया है। अगर ऐसा होगा तो उसकी जाँच करेंगे और प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस कार्यालय को लिखा जाएगा। बहरहाल अधिकारी जानते हैं कि अवैध खनन का खेल चल रहा है, लेकिन फिर भी वह मौन है। अधिकारियों की यह चुप्पी कई सवाल भी खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजाना न्यूज। देवास जिले में परम एजेंसी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की ताजा तस्वीरें डीजाना न्यूज ने आपको दिखाई थी, जिसमें परम एजेंसी द्वारा प्रशासन की रोक के बावजूद भी अवैध खनन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। चिचली, मस्तानिया खदान के साथ ही नीमावर, कन्नौद की अन्य खदानों में अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध रेत के खनन का यह खेल परम एजेंसी खेल रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे परम एजेंसी पोकलेन मशीनों के पंजों से नर्मदा का सीना चीरकर अवैध खनन कर रही है। इस सब के बावजूद अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। अधिकारी इस अवैध खनन को सिर्फ होने ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसे सही भी ठहरा रहे हैं। रेत खनन का जिले का ठेका, जिला देवास का ठेका परमानेंट कंपनी ने लिया है, और उस हिसाब से वो अपने ठेका लिया है, इसलिए वो अपने रेत निकाल रहे हैं। बाकी जो अवैध कार्रवाइयां हो रही हैं, अवैध रेत परिवहन हो रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने कम से कम 10 गाड़ी, 2 डंपर, 6 ट्रैक्टर अवैध रेत उत्खनन के पकड़े, रेत माफिया दाऊद को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। हम लोग सतत कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर रेत माफियाओं पे और अवैध रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, एनजीटी के द्वारा अभी प्रतिबंध लगा हुआ है नदी से रेत निकालने पर, इसके बावजूद भी खनन किया जा रहा है। इस बारे में मैं और जाँच करवा लेता हूँ। श्रीमान SDM महोदय खातेगांव और खनिज अधिकारी, इन दोनों को, ये दोनों लोगों से पूछूंगा और DI नेवर से भी चर्चा करूंगा इस संबंध में। यदि ऐसी कोई घटना हो रही है तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो जिला देवास के वो वैध ठेकेदार हैं, उनको जो भंडारण की अनुमति है
उस हिसाब से वो कार्रवाई कर सकते हैं। यदि वो किसी भी तरह की अवैध कार्रवाई कर रहे हैं तो निमावर थाना प्रभारी को और एसडीओपी को मैंने स्पष्ट निर्देशित किया है। तो सुना आपने, एसडीओपी और एएसपी साहब इस अवैध खनन को कैसे वैध करार दे रहे हैं, जबकि कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला पहले ही साफ कर चुके हैं कि नियमानुसार 30 जून के बाद से खनन पर रोक लगा दी गई है। वैध कंपनी भी केवल संग्रह की गई रेत का परिवहन कर सकती है, जबकि परम एजेंसी अब भी पोकलेन मशीनों से नर्मदा को छलनी कर अवैध खनन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज। अधिकारियों को भले ही परम एजेंसी का अवैध खनन न दिख रहा हो, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री ने अवैध खनन करने वाले रेत माफियाओं को चेतावनी दे डाली है। मंत्री कमल पटेल ने साफ कह दिया है कि पोकलेन से खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अवैध खनन की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी में गया था और एनजीटी से निर्देश दिलाए तो कार्रवाई की, और हमारे मांग पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, मैं बधाई देता हूं उनको कि उन्होंने नर्मदा के सारे ठेके निरस्त किए थे और मशीनों पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। और आज भी मैंने सबको निर्देश दिए, सभी कलेक्टरों को निर्देशित किए, लिखित में भेजा है कि नर्मदा में कोई पोकलेन मशीन नहीं चलना चाहिए, बल्कि मजदूरों से जो रेत खदान है, पानी के अंदर रेत खदान नहीं होती है और इसलिए पानी में से रेत नहीं निकलना चाहिए। दूसरा, रेत खदान जब नर्मदा जी या नदियाँ गाड़ी तेरी चलती है बारिश में जब आती तो रेत इकट्ठी ढेर लग जाता है, वो है रेत खदान, और इसलिए उसमें से रेत निकालें, मजदूरों को रोजगार मिले और रेत का भी जो हर बार हर साल आती है वो निकल जाए। सर क्या मानते हैं, अवैध उत्खनन से मुक्त हो गई है नर्मदा और बाकी नदियाँ? नहीं, मेरा तो मानना है कि बिल्कुल है, और आपको अगर कहीं नज़र में है तो आप बिल्कुल मेरे पास वीडियो भेजिए, मैं त्वरित कार्रवाई कराऊंगा। इस मामले में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी, चाहे कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो ठेकेदार उसके खिलाफ।